तो इसमें मैंने तीन कच्चे आलू काट रखे हैं और तीन बार उसको अच्छे पानी से धो लिया है, और अदरक लहसुन। और तो ये बच्चों के लिए टिफिन के लिए और उनको खाने के लिए मतलब मैं रेडी कर दे रही हूँ टिफिन, तो मतलब रेडी तो दोनों ही हो रहे हैं। तो तब तक चीला बना करके वहाँ पे रख दे रही हूँ। उसके बाद से मैं नहा ली, नहाने के बाद आज वॉशरूम भी बहुत साफ करना था, तो फिर मैं तो ये मैं कपड़े डाल दे रही हूँ फटाफट जितने भी पानी में झर। उसके बाद से उधर आलू भी धो ली मैं, ताकि मैं कुकर में बैठा दूंगी। हो गया है देखे, तो यही है घर का हालत। अब इसमें तो नौटंकी का देखिए गाइस, हमारे यहाँ कैसा बारिश हो रहा है। इसको इतना रात को क्या लगा हुआ, ये देखिए पूरा बारिश बारिश दिन रात बारिश के वजह से ना क्या मैं काली नहीं हूँ, काली दिख रही हूँ अंधेरा में, काली नहीं हूँ। हाँ मतलब यही बोलने के लिए वीडियो बनाने के लिए बोली थी। जय श्री राम दोस्तों। तो ये सुबह का टाइम हो गया, तो मैं ये जा रही हूँ चीला बनाने कच्चे आलू का ही। तो इसमें मैंने तीन कच्चे आलू काट रखे हैं और तीन बार उसको अच्छे पानी से धो लिया है, और अदरक लहसुन और जीरा घोल की, और ये आधा कप सूजी, और आधा कटोरी, और आधा कटोरी मैंने चावल भिगा रखा था अरवा चावल, और मिर्ची पहले से मैंने डाल रखा था, आप सबको दिखाया। तो इसको मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ, तो ये देखिए मेरा ग्राइंड भी हो गया। तो इससे पहले आप सबका स्वागत नहीं की, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है, और इसमें हल्दी नमक डाल के इसको मिला करके इसको रेस्ट के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद से अपना घर का, अभी ये सुबह सुबह का है जो कि मैं उठी थी, आपको रात को देखिए रात भर बारिश हुआ है, और ये सुबह फिर बारिश पूरा ऐसा लगा कि रात को कुछ हुआ ही नहीं है। तो देखिए सारा काम मेरा निपट गया सुबह का, देखिए सारा बर्तन उर्तन झाड़ू उड़ू जितना है, पोछा तो मैं हर दिन ही लगाती हूँ, और मैंने फिल्टर में पानी भी लगा दिया है, और पता नहीं क्या हुआ है मेरे फिल्टर में कि पानी निकलता है तो उसके लिए अलग से बर्तन लगाना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा घर का साफ सफाई हो गया है, अब चीला बनाने का तैयारी कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड सुबह बिना नाश्ता का ही बहुत जल्दी चले गए थे काम पर, तो ये बच्चों के लिए टिफिन के लिए और उनको खाने के लिए मतलब मैं रेडी कर दे रही हूँ टिफिन ले जाने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो ये देखिए ये चीला ना इतना मुलायम और टेस्टी, मैं YouTube पे ही देखी थी, मैं नहीं बोलूंगी, YouTube पे ही देख करके मैं बनाई, तो लेकिन बहुत ही नरम और बहुत टेस्टी लग रहा है। इसमें आलू डाल दिए हैं ना, मतलब जैसे लग रहा है कि डोसा जैसा पूरा नरम और मुलायम, लेकिन मैं पतला पतला नहीं बनाई डोसा जैसा, क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा ही बना दी, मोटा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, और इसमें जो मैंने मसाले डाल रखे थे ना तो उसके लिए और भी अच्छे लग रहे थे, मतलब जीरा गोल की। और ये चटनी मैं लाई थी, तो वो चटनी के साथ ही मैं देऊंगी। तो पहले मेरा बेटा रेडी हो गया था स्कूल जाने के लिए, तो उसके लिए निकाल दे रही हूँ, तो मतलब रेडी तो दोनों ही हो रहे हैं। तो तब तक चीला बना करके वहां पे रख दे रही हूँ, पंखा में ठंडा होते रहेगा। ये देखिए बहुत नरम हुआ है, तो यही रख दे रही हूँ। और रात भर तो बारिश, हमारे यहाँ बारिश छूट रहा है, हो रहा है बारिश छूट रहा है, आप सबके यहाँ कैसा है, क्योंकि कोई चीज भी हद से ज्यादा हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद से मैं सब बच्चे चले गए थे दोनों बच्चे, उसके बाद से मैं नहा ली, नहाने के बाद आज वॉशरूम भी बहुत साफ करना था, तो फिर मैं सिर धो करके नहाई, वॉशरूम में साफ करती हूँ तो सिर धो के ही नहाती हूँ। तो ये देखिए नहाई, और अपना डेली रूटीन जो मेकअप मेरा होता है वही मैं करती हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि क्या बोल, हाँ बारिश का बात बोल रही थी कि बारिश कोई भी चीज हद से ज्यादा हो ना तो अच्छा नहीं लगता। ये मेरा पाउडर खत्म हो गया, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, खत्म हो गया था जितना निकला। और मैं फेयर एंड लवली हमेशा आजकल नहीं लगा रही हूँ, पता नहीं चेहरा मेरा एक्चुअली मुझे फीवर आ जा रहे हैं जब से बुखार, मतलब ये बारिश ज्यादा हो रहा है ना तो फीवर आ, तो शकल भी देखिए कैसा लग रहा है, काला काला हो गया है, और लाइटिंग भी थोड़ा सही नहीं है, तो इसीलिए। और अभी भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब भी बारिश फिर चालू हो गया है, तो वही है बारिश ही बारिश, बारिश के चलते मतलब हर चीज मतलब ये हो गया है।
रूटिंग से बेरूटिंग हो गया है, जो बाहर में मतलब बिजनेस वाले नौकरी वाले सब चीज सबको हैरानी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। जिनके घर अच्छे, हमारे घर तो अभी मैं दिखाऊंगी भी कि मेरा घर कैसा हो गया है, जिसके घर थोड़े मिट्टी के या थोड़े ये होंगे तो उनके घर का क्या हाल होगा पता नहीं, जो कि हमारे ऐसा घर का ऐसा हाल हो गया है। तो ये मैं ले चली, कपड़े धोई थी थोड़ा सा, तो अभी बारिश जिस टाइम मैं ये कपड़े ले जा रही हूँ बारिश ठीक रुक गया था थोड़ा धूप जैसा, तो मुझे लगा कि अब धूप देगा, तो थोड़े बहुत कपड़े धोए थे, सारे नहीं अभी तो कपड़े बहुत हैं। तो फिर भी देखिए थोड़ा सा मौसम कैसा हो गया, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए कपड़े डालते हैं, तो ये मैं कपड़े डाल दे रही हूँ फटाफट, जितने भी पानी में झर जाएंगे तो क्या होगा कि फैन के नीचे भी डाल करके सुखा देंगे। और थोड़े थोड़े ही कपड़े मैं धो रही हूँ, क्योंकि बारिश दिन में ज़्यादा कपड़ा धो दो तो फिर कहाँ सुखाएंगे, सुखाने का ज़्यादा दिक्कत होता है। बारिश जरूरी है लेकिन मौसम के लिए, वही बारिश गर्मी के बाद अगर बारिश ना आए तो हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन हद से ज़्यादा हो तो और हालत ख़राब हो जाता है। तो अब मुझे किचन में मैं चली ये करके, इधर मेरा देखिए सुबह से लगाई थी, पहले मैं पानी ही लगाई थी, लेकिन अब जाके मेरा बाल्टी भरा है। तो मैं आलू का सब्जी बनाऊंगी, तो उधर मैं तावा बैठा दी हूँ गर्म होने के लिए, खुद के लिए चिल्ला बनाने के लिए, और उसके बाद से उधर आलू भी धो ली मैं, ताकि मैं कुकर में बैठा दूंगी। मैं आलू की सब्जी और चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि बारिश की वजह से दाल उल कुछ खा नहीं रहे, और ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहा है कोई भी बारिश की वजह से। तो वही मैं उधर बैठा दी, इधर मेरा चिल्ला भी हो रहा है, तो ये देखिए, और मैं वही चटनी अपना निकालूंगी, और चिल्ला मेरा रेडी हो गया है। अब बहुत मुलायम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था ये चिल्ला, मतलब मैं पहली बार बनाई, एक दिन और बना के मैं ट्राई की थी, उसके बाद से आप लोगों को दिखाई, तो बहुत टेस्टी लगा मेरे को। अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी अचानक, मतलब नहीं भी भिगा, मतलब चावल तो, चावल का आटा भी रहने से काम चल जाएगा। तो ये देखिए चावल का आटा भी रहेगा तो आप सूजी के साथ ही करेंगे। और ये देखिए घर का हालत कैसा हो गया है, देखिए, तो यही है घर का हालत, पूरा तहस नहस हो गया है। ये देखिए किचन में मेरा, इधर से पानी, बारिश रुक भी जा रहा है तो पानी टपक रहा है। तो जब हमारा घर का ये हाल है तो बाकी लोगों, बाकी थोड़े से, मतलब हमारा घर भी उतना अच्छा नहीं है मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कितने को ये का, ये है ना मिट्टी का ये सब का, तो उनका तो और बुरा हाल हुआ होगा। और इधर मैं अपना चिल्ला खाना स्टार्ट करने में, मेरे को गर्म भी था, ऊपर से वो चटनी ना थोड़ा तीता भी लग रहा था, वो जो रेडीमेड चटनी मैं लाई थी मार्केट से खरीद के, सुपरमार्केट से। तो वही इंजॉय कर रही हूँ, खा रही हूँ, अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा तीता लग रहा था चटनी, और भूख खा रही थी, गर्म था अभी चिल्ला, तो थोड़ा पानी भी पी लेती हूँ। तो उसी के बाद से, और देखिए सीधा आप सबको लंच बनाने के टाइम में मैं मिलती हूँ, ठीक है। और ठीक है, और क्या, तो फ्रेंड्स देखिए, एंजॉय कीजिए, कपड़ा डाली और ये हाल भगवान जी फिर कर दिए, बादल साफ दिख रहा है लेकिन ऐसा बारिश, तो यही हाल है, देखते हैं इस बार तो लग रहा है भगवान सारा मतलब कितना, अगले साल इतना नहीं हुआ था, तो अगले साल का भी कसर इसी साल पूरा करेंगे। रात भर भी हुए, अभी देखिए रुक गया भगवान, मेरा कितना बात मानते हैं, कहते ही रुक गए, होले होले हो गए, होले होले बरसने लगे। तो मैं अभी किचन में थी, मसाला रेडी कर रही थी आलू का सब्जी के लिए, मतलब आलू दम बनाऊंगी या फिर आलू का झोल करूंगी, ये अभी समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा आलू झोल कर दी, आलू दम नहीं बनाई, बोली चावल है और सिर्फ आलू का सब्जी रहेगा तो झोल ही कर दूंगी। तब ये मेरा भी हो गया है, बस धीमी आंच में थोड़ा सा इसको और 5 मिनट छोड़ूंगी। खुशबू पूरा ना चिकन जैसा आ रहा है, मसाला मैंने क्योंकि वैसा ही डाला है, गरम मसाला डाला है। और इधर मेरा चावल हो गया है, तो ये है मेरा, ओके, तो ये है मेरा दोपहर का लंच, तो यही रहा मेरा लंच। और देखिए जो बारिश आया था मैंने दिखाया था ना, ये देखिए यही कहीं पानी जम रहा है, जो यहाँ से भी चू रहा है और मेरा वाला रूम से भी, देखिए कितना पानी, मतलब बारिश खत्म हो गया, कितना देर हो गया फिर भी देखिए पानी टपक रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ही पानी जम रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है।
और अभी मेरे मिट्ठू को मैं ढक के रखी हूँ क्योंकि उसको भी बुखार खांसी हो जा रहा है, तो अभी इसको भी जाऊंगी बाहर में थोड़ा सा बस साफ सफाई साफ सुथरा उसको कर दूंगी। और इधर देखिए मौसम दिखाती हूँ, बारिश तो रुक चुका है और कभी धूप और कभी बारिश हो रहा है। अभी अभी जस्ट बाहर निकलने से पहले धूप हुआ था और अभी देखिए, और अभी देखिए क्या नजारा है। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर, और मेरा एक ये एलोवेरा देखिए, ये जितना भी ये करो ना इतना थोड़ा सा मट्टी में ना ये हो ही जाता है, पता नहीं, चलिए अच्छा ही है, हो जाता है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए, और हमारा कूलर देखिए बाहर निकाल दिए हैं, अब इसको साफ उफ करके ऊपर छत पर मतलब सीढ़ी रूम पर रख देंगे। तो हाँ क्या बोल रही थी मैं, तो आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्यारे प्यारे से, और जो कमी भी रहती है मेरे ब्लॉग में उसको भी बताया कीजिए, बिंदास बताया कीजिए। तो चलिए फिर एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन, और ऑल जो लिखा रहता है ना उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन राइट कर दीजिएगा, मतलब कि हर नोटिफिकेशन मेरा वीडियो का सबसे पहले आप सबके पास चला जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ।